बेनामी संपत्ति को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। आपको याद हो कि जब नोटबंदी हुई थी, इसके बाद से पीएम पर जोरदार चोट करने के इरादे से सरकार ने 1 करोड़ रुपए की इनामी योजना का ऐलान कर दिया है। आयकर विभाग ने बेनामी संपत्ति को उजागर करने के लिए बेनामी ट्रांसफर सूचना रिवॉर्ड योजना 2018 की शुरुआत की है। इसके तहत किसी भी व्यक्ति को बेनामी संपत्ति के बारे में जानकारी देने पर व्यक्ति को 1 करोड़ की इनामी राशि मिल सकती है। जानकारी के मुताबिक इनाम प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम गुप्त रखा जाएगा। अगर उसके द्वारा दी गई जानकारी गलत होगी तो इनामी राशि नहीं दी जाएगी। इसके लिए आयकर विभाग अपने स्तर पर जाँच करेगी। साथ ही यह इनामी राशि तभी दी जाएगी जब बेनामी संपत्ति निरोधक कानून 1988 के तहत आती हो, जिसे 2016 में संशोधित किया गया था। SPN नैनीजुर्म की रिपोर्ट।